इस वीडियो में हम असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पेपर सेकंड के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हेलो एवरीवन मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं जी तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 वन अवेलेबल वाटर हेल्ड बिटवीन जो अवेलेबल वाटर होता है वो किसके बीच में होता है सेचुरेशन वेल्टिंग पॉइंट फील्ड कैपेसिटी हाइग्रोस्कोपिक कपैसिटी या ओनली फील्ड कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी टू विल्टिंग पॉइंट देन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फील्ड कैपेसिटी टू विल्टिंग पॉइंट ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू माइका इज अ टाइप ऑफ क्लेम मिनरल किस प्रकार का है तो यह है टू वन टाइप ठीक है टू रेशियो वन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट फ्रेंड्स इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वन टू फिफ्टी वो हमने पार्ट फर्स्ट में सॉल्व कराए हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप देख लीजिएगा और जो पेपर फर्स्ट है उसका भी जो वीडियो बन चुका है उसका भी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री डी न्यूट्रीफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ जो डी न्यूट्रिफिकेशन है वो किसका प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का रिडक्शन का हाइड्रेशन का या कार्बोनेशन तो की किसका है रिडक्शन ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर माइक्रो ऑर्गेनिजम इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन फ्राम नाइट्रेट नाइट्राइट टू नाइट्रेट ठीक है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहता है नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए तो नाइट्रोबैक्टर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज जो मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं साइक्रोफाइल्स होते हैं मेजोफाइज थर्मोफाइल्स या ऑल ऑफ द बुक ठीक है तो देखिए जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर रेंज की बात करें तो जो साइक्रोफाइल्स की टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमारा कितना चाहिए लेस देन फिफ्टीन ठीक है लेस देन फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस या इसका जो मैक्सिमम होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम अगर इससे ऊपर गया तो ये सरवाइव नहीं कर पाते ठीक है मेजोफाइल्स की बात करें तो ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री सेल्सियस ये आपको लिखा मिलेगा या जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो हमारा होता है 30 से 39 डिग्री सेल्सियस मेजोफाइल्स के लिए ठीक है थर्मोफाइल्स के लिए ग्रेटर देन फोर्टी डिग्री सेल्सियस तो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं मेजोफाइल्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट देन फंजाई ग्रोथ इज ऑप्टिमम इन पीएच ठीक है कौन सा पीएच है जिस पर फंजाई का जो ग्रोथ होता है ऑप्टिमम होता है तो 4.5 से 6.5 पीएच पे ठीक है देन क्वेश्चन नंबर 57 सेवन इन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ वीट इन फ्लोरोसेंस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है तो बोरोन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बोरोन ठीक है बोरोन की डिफिशियंसी की वजह से होता है इन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इट इन फ्लोरोसेंस देन ऑर्गेनिक मैटर ऑप्टेंड फ्रॉम ठीक है किससे तो ओ सी इंटू ऑर्गेनिक कार्बन इंटू वन पॉइंट सेवन टू फोर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन फ्लट्स पर इज अ प्राइमरी मिनरल देट आर प्रीडोमेंटली इन ठीक है कहां पर अगर होता है तो इग्नियस रॉक इसमें इग्नियस रॉक ठीक है फ्लट्स पर क्या है प्राइमरी मिनरल है ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू कि रेड कलर जो सॉइल का होता है वो किसकी वजह से होता है Hemitide, gyothide, या mectide. ठीक है तो किसकी वजह से होता है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन ऑलसन मैथड इज यूज फॉर द दॉस्फोरस एस्टिशन ऑफ ठीक है किस में मतलब फॉस्फोरस तो न्यूट्रल टू अल्कलाइन सोयल मीन ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ठीक है फ्रेंड्स पी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पर आप इसको पी मिल जाएंगी और भी जो भी पी हैं अवेलेबल हो टेलीग्राम से आपको मिल जाएंगी विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पोटास कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज यू, किया जाता है पोटास को एस्टिमेट करने के लिए तो फ्लेम फोटोमीटर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री बेस्ट सेचुरेशन इलेक्ट्रेटिक सॉइल इज लेट्रेटिक सॉल में जो बेस सेचुरेशन होता है वो कितना होता है तो ठीक है तो ग्रेटर देन फोर्टी परसेंट ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर मैक्सिमम एंड कंटेंट फाउंड इन नाइट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ठीक है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है कौन सी नाइट्रेट फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है एमाइट फर्टिलाइजर आप कह दीजिए तो एनहाइड्रस अमोनिया में ठीक है कितना पाया 82%, है एटी टू परसेंट ठीक है एटी टू परसेंट पाया जाता है अगर आप यूरिया की बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना है फोर्टी सिक्स परसेंट ठीक है तो ये चीज़ याद रखना है देन विच फर्टिलाइजर प्रोड्यूस एसिडिटी इन द सॉइल कौन सा फर्टिलाइजर है जो कि एसिडिटी को प्रोड्यूस करता है तो अमोनियम सल्फेट ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स ग्रीन मेन्यूर प्लांट्स आर जो ग्रीन मे्यूर प्लांट्स होते हैं फैमिली पूछा कौन सी फैमिली को बिलोंग करते पोएसी सोलेनेसी लेग्युमिनेसी या कंपोजिटी तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दे बिलोंग्स टू फैमिली लेग्युमिनेसी ठीक है वो मैंने ग्रीन मेन्यूर के लिए यूज़ किए जाते हैं दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक है इसमें कौन सा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं तो क्या चीज़ को इंक्लूड नहीं करते है? तो केमिकल फर्टिलाइजर का हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग फार्मिंग करते हैं तो वो क्या कह है ऑर्गेनिक फार्मिंग देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट इन चिल्ड्रेन द डिसीज कॉज ड्यू टू एक्सेस नाइट्रेट फर्टिलाइजर यूजेज ठीक है चिल्ड्रन में कौन सी डिसीज होती है अगर आप एक्सेस जो नाइट्रेट फर्टिलाइज के इफेक्ट में आ जाते हैं तो मम्स ज्वाइंडिस सप्सीमिया या मैथीम्योग्लोबिनीमिया ठीक है तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा मैथीम्योग्लोबीनीमिया ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन ग्रीन मेन्यूर इज आ ठीक है ग्रीन मेन्यूर कौन सा इसमें से बताना है तो ऑप्शन नंबर डी सस्बेनिया रोस्टाटा आगे जो भी साइंटिफिक नेम रहेगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी आपका डी क्या हो जाएगा करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एजोला इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर एज इट ठीक है उसमें क्या होते हैं ह्यूमस इन लार्ज क्वांटिटीज राइजोबियम होते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या राइजोबियम तो या माइक्रोजम आर के आए होंगे ठीक है लेकिन वो गलत है ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा साइनो बैक्टीरिया देन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज नॉट फाउंड इन एक्सेस इन एसिडिक सॉइल कौन सा एन नहीं पाया जाता है तो एलुमिनियम आयरन और कॉपर एक्सेस में पाया जाते हैं बचा कौन मैग्नीशियम ये हमारा एक्सेस में नहीं पाया जाता ठीक ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज मेजरली फाउंड इन एसिड सल्फेट ठीक है है इसमें कौन है? सबसे ज्यादा एसिड सल्फेट सॉइल में पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए पाइराइट ठीक है पाइराइट सबसे ज्यादा हमारा एसिड सल्फेट सोयल में पाया जाता है देन क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन यूज़ फॉर द सॉइल रिक्लमेशन सॉइल रिकलमेशन के लिए कौन सा यूज करते कौन से सब्सटेंस को जिप्सम को ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिशियंट इन सैलाइन सॉइल में कौन सी चीज़ें न्यूट्रिय जो कि डिफिशेंट होती है तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा नाइट्रोजन क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर है बहुत कम पाया जाता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है ठीक है ियम की, से? तो की, की से होती है तो डिस्ट्रॉय ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्ट ठीक है तो यहाँ पर आपका रिक्लमेशन लिखा रहेगा ठीक है रिक्लमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ठीक है रिक्लमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमोवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम तो सेलाइन सॉइल ठीक है रिक्लमेशन क्या होता है प्रोसेस ऑफ रिमोल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सेलाइन सॉयल देन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन इन वाटर लॉक्ड सॉयल क्रॉप शुड बी शोइंग ठीक है कैसे किस पर शो करते हैं देखिए बहुत ज़्यादा कन्फर्म आंसर नहीं मिल पा रहा है कि एकदम मैं हंड्रेड परसेंट शोर नहीं हुई इस एंसर पर तो बट मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है हो सकता है 100 परसेंट शो नहीं हूँ बाकी जैसे मुझे 100 अगर पता चलेगा तो आप लोग कमेंट में देखते रहिएगा मैं वहाँ पर पिन कर दूंगा अगर एकदम एग्जैक्ट आंसर इसको मुझे मिल जाएगा ठीक है तो बस मेरी तरफ से मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर नंबर बी हो सकता है ठीक है कन्फर्म नहीं हूँ कि उसका ऑप्शन क्या होगा तो वाटर लॉक ट्रायल में जो क्रॉप्स हैं उनको हम लोग रेजस पर तो शो करते हैं ये हंड्रेड है बट कन्फर्म नहीं है कि फ्लैट पर या टॉप पर तो आप लोग रजस मान के चलिए अभी और जैसे मेरा कन्फर्म आंसर आता है मैं आपको वहाँ पर कमेंट में पिन कर दूंगा क्वेश्चन नंबर इन वाटर एरन काइमा फॉर्मेशन टेक प्लेस इन ठीक है कहां पर लीव्स में स्टेम में रूट्स में या शूट में ठीक है तो एरन काइमा फॉर्मेशन टेक प्लेस इन रूट्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन इन एसिडिक सॉइल राइट इन एसिडिक सोयल इन राइस क्रॉप अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इन अर्ली ग्रोथ सीजन क्या करता है हमारा इंप्रूव कर देता है एरिएशन को और रिड्यूस करता है सीवीआईटी ऑफ रिड्यूसिंग कंडीशन मीन ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट बोथ ए एंड बी देन सोडिक साथ जनरली हाई किस पर हाई होती है तो सॉल्ट में ठीक है सोडियम परसेंटेज जो होता है आपका काफ़ी का ज़्यादा हाई होता है सोडियम का परसेंटेज ऑप्शन नंबर आपका बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा करेक्ट एन ए टू सी ओ एन ए सी ओ थ्री और एन ए एच सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट सोडियम हमारे सोडिक में हाई में पाए जाते हैं ठीक है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं देन क्वेश्चन नंबर एटी वन न्यूक्लियस सीड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय जो न्यूक्लियस सीड्स होती है हुँ, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है ब्रीडर के द्वारा फाउंडेशन के द्वारा प्लांट ब्रीडर के द्वारा या न्यूक्लियस सीड के द्वारा तो हमारी प्लांट ब्रीडर के द्वारा सीड प्रोड्यूस की जाती है ठीक है देखिए आपका यहाँ पर फिर और भी चीज़ें पूछता है कि कलर टैग ठीक है तो ब्रीडर का गोल्डन येलो होता है फाउंडेशन का हमारा व्हाइट होता है ठीक है याद रखना पूछता है कि न्यूक्लियस सीट का कलर टैग क्या होता है तो न्यूक्लियस सीट का कोई भी कलर टैग नहीं होता है उसको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस दिया जाता है पेडिग्री सर्टिफिकेट ठीक है याद रखना

ब्रीडर का और पेडिग्री किसका होता है सर्टिफिकेट होता है वो ठीक है कोई अगर आपसे पूछे न्यूक्लियस का कलर टैग क्या होता है तो कोई कलर टैग न्यूक्लियस को नहीं मिलता है ठीक है देन क्वेश्चन नंबर एटी फोर प्योर्टी परसेंटेज ऑफ सीड इज गिवेन जर्मिनेशन गिवेन एंड वॉट विल बी द रियल वैल्यू ऑफ सीड ठीक है रियल वैल्यू पूछा है तो रियल वैल्यू ऑफ सीड का जो फॉर्मूला होता है ठीक है रियल वैल्यू ऑफ सीड इज इक्वल टू प्योरिटी परसेंटेज ठीक है इनटू जर्मिनेशन परसेंटेज बाई हंड्रेड ये हमारा फॉर्मूला होता है रियल वैल्यू ऑफ सीट को फाइंड करने का तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपका नाइन्टी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू नाइन्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स बाई हंड्रेड ठीक है जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आने वाला है ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करें देन क्वेश्चन नंबर एटी फाइव सीड वेबिलिटी टेस्ट इज ऑल्सो तो टेट्राजोलियम टेस्ट कहते हैं ऑप्शन नंबर डी टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में टेट्राजोलियम टेस्ट आइसोलेशन डिस्टेंस इज नेसेसरी टू अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन मीन ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर एटी सेवन टेस्ट वेट इज ठीक है जो टेस्ट वेट होता है वो क्या होता है वेट ऑफ थाउजेंड सीड होता है टेन थाउजेंड या टेन ठीक है देखिए कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं कैसे याद रखना है आपको देखिए दो चीज एक होता है इंडेक्स और एक होता है वेट ठीक है सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट देखिए इंडेक्स में नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स फाइव है यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो सिक्स ठीक है तो मैक्सिमम लेटर किस में है वेट में तो आपका टेस्ट वेट क्या हो जाएगा वन थाउजेंड सीट ठीक है अगर आपसे इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर फाइव हैं तो याद रखना है कि जिसमें कम लेटर वहां पर वेट ऑफ सीट क्या हंड्रेड सीट का तो ये यहाँ पर अगर आप इंडेक्स की बात करेगा तब आपका हंड्रेड सीड हो जाएगा ठीक है याद कैसे भी आप लोग रखना है तो मैंने जैसे याद किया मैं मैं आपको बता रहा हूँ कन्फ्यूज़ इससे नहीं होंगे कि टेस्ट वेट में क्या होता है और इंडेक्स में क्या होता है इंडेक्स में नंबर ऑफ लेटर कम है तो वहाँ पर वैल्यू हमारी कम रहेगी मतलब हंड्रेड सीट रहेगी वेट में ज्यादा हमारे नंबर ऑफ लेटर्स हैं तो वैल्यू ज़्यादा रहेगी वन थाउजेंड सीट देन क्वेश्चन नंबर एटी एट इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ठीक है देन क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन होमोजाइगोसिटी एंड ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटर्माइन बाई काफी बच्चों ने गलत किया होगा या ऑल ऑफ दिस लगा के आए होंगे ठीक है तो होमोजाइगो है किस कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं टेस्ट क्रॉस से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर नाइनटी विच टर्म रिप्रेजेंट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो एलिडो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटर्न बाई किसके द्वारा रिटर्न की गई थी तो चार्ल्स डरविंग के द्वारा लिखी गई थी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू द टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवेन बाई किसके द्वारा जो टर्म जेनेटिक्स है वो दिया गया था तो ऑप्शन नंबर डी बेटसन ठीक है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटसन के द्वारा द टर्म जेनटिक वॉज गिवन बाई देन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री विच इज अ ट्रू अबाउट ट्रिटिकल ट्रिटिकल के बारे में ट्रू क्या है इट इज अ क्रॉस बिटवीन सिकल सीरियल एंड ट्रिटिकम बोल गए ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ठीक है देन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर विच इज द बेस पेयर ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल डी एन ए मालिक्यूल का जो बेस पेयर है वो कौन सा करेक्ट आपको बताना है ठीक है थाइमिन ग्वानिन सिस्टीन ग्वानिन ठीक है या देखिए याद कैसे रखते हैं हम लोग को चार होते हैं ठीक है एडिनिन सिस्टीन ग्वानीन और थाइमिन ठीक है तो हमारा ए और टी का पेयर बनता है और सी और जी का पेयर बनता है ठीक है सिस्टीन और ग्वानीन ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट जब हमारा थाइमीन नहीं होगा देन वहाँ पर क्या आ जाएगा यूरासिल आ जाएगा ठीक है देन क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव द क्विकेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज प्लांट ब्रीडिंग का जो क्विकेस्ट मैथड है वो कौन सा इंट्रोडक्शन है सिलेक्शन है हाइब्रिडाइजेशन है, है या म्यूटेशन ब्रीडिंग ठीक है तो काफी लोगों ने इंट्रोडक्शन पर लगाया था कि इंट्रोडक्शन क्या है क्विकेस्ट मैथड है बट नहीं वो क्या है म्यूटेशन ब्रीडिंग इज अ क्विकेस्ट मैथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग देन क्वेश्चन नंबर नाइन सिक्स डिजाइड इंप्रूवराज ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स इकोिकलीजफुलर रेज बाई रेज करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर सेवन प्रोजनी ऑप्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीट सेल्फ पॉलिनेशन अक्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप टू कॉल्ड ठीक है तो क्या कहते हैं रिपीट हम लोग क्या करते हैं सेल्फ करते हैं तो क्या कहलाता है ऑप्शन नंबर ए प्योर लाइन ठीक है ऑप्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीट सेल्फ अक्रॉस क्रॉप इज कॉल्ड एज प्योर लाइन देन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट क्रॉस बिटवीन द प्लांट ऑफ द सेम वेरायटी इज कॉल्ड एस ठीक है सेम वेराइटी के बीच में जो क्रॉस होता है उस प्लांट को क्या कहते हैं ठीक है थीके? अगर आपका इंट्रा रहा ठीक है अगर इंटर का मतलब डिफरेंट और इंट्रा का मतलब सेम ठीक है तो इंट्रा क्या है सेम वेरायटी के बीच में कह रहा है, तो इंट्रा वेराइटल ठीक है क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इंट्रा वेराइटल तो याद रखना है इंटर जहां भी आएगा मतलब डिफरेंट की बीच बात कर रहा अगर यहाँ लिखा है इंटर स्पी स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट स्पीसीज मतलब के बीच में इंटर वेराइटल मतलब डिफरेंट वेराइटीज के बीच में इंटर जेनरिक मतलब डिफरेंट जेनरा ठीक है तो इंट्रा मतलब सेम तो सेम वेरायटी के बीच में क्या हो जाएगा इंट्रा वेराइटल देन क्वेश्चन नंबर नाइंटी नाइन वॉट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कैलविन साइकिल तो क्या हो जाएगा पी जी ए एल ठीक है फॉर ग्लिसरल डी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड विच मेटाबॉलिक पाथवे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट ठीक है तो कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करता है देन ऑप्शन नंबर डी कैल्विन साइकिल ठीक है फ्रेंड्स जो पहला पार्ट है अपने वीडियो का वो देख लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ